अरे 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 ये क्या कर रहे हो बेटा, वो तुम्हारे पिता है बेटा। ए बाबा तू आजन बैर के कहानी। अरे बेटा क्या है, आखिर में तुम्हारे पिता है बेटा। ये बहुत नटोकी बाज हैं बाबा, जितने बुढ़ाट हूँ मैं उतने बड़बड़ 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 सांस सुबह लगाए रहे। बेटा तुम्हें मालूम है बुजुर्ग और बच्चा एक समान होता है बेटा। फिर भी बाबा इन्हें कायदे से रहा के चाहिए। ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम अगर तुम समझदार हो बच्चे तो कम से कम तुम्हें तो इतना ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे पिता हैं उनसे इस तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता बेटे। ठीक है बाबा। मेरी बात सुनो। बोला बाबा। माटी के तनवाया खीर माटी हो जाई है हो माटी। बेटा यहाँ पे कोई रहने नहीं आया है मेरे लाल। ठीक बाबा, समझे थे लगी बुढ़ावा। आज आज 10 दिन बाद जो इनकी दशा होने वाली है वही तुम्हारी भी होगी बच्चे। और ऊपर वाला ना ऐसा करे कि तुम्हारे बच्चे अगर ये दशा देखेंगे कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। बेटा मेरी बात सुन। माटी के तनवाया खिर माटी हो जाई है हो माटी। टूटी जाई है सागारो गुमान हो राम। मेरी बात सुन बेटा, बेटा इस शरीर पे इतना नाज मत कर, एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी बेटा। नाज वाली बात ना है बाबा, अब रोज रोज एकदम सुन सुन के तंग हो गए। बेटा ऐसा कह रहे हो कि तंग हो गए, उस दिन को याद करो जब तुम छोटे से थे, छोटी छोटी बात पर रोते थे झगड़ते थे, उस दिन ये तंग नहीं हुए तुम्हारे बाबा। उस दिन तुम्हारा हर दुख सह करके तुम्हें इतना बड़ा किए और आज तुम कह रहे हो कि नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, मेरी बात सुन। महलाया टारी छुट्टी है सोना जस शरीरिया हो सोना। बेटा सुन रहा है ना एकदम बाबा, सुने तो हर बात समझ में आती है। हाँ तो बेटा सुनो मेरी बात। महलाया टारी छुट्टी है सोना जस शरीरिया हो सोना जस शरीरिया हो। चूर हुई है दिल के यार मानन हो रहा। और बेटा मेरी बात सुन, कम से कम तुम्हारी पत्नी पराए घर से आई है लेकिन तुम तो इनके खून हो बेटा। आज आज तुम्हारी शादी हुई है, इन्होंने कराया है बेटा। कितनी खुशी थी उस दिन परिवार में तुम्हारी शादी के दिन, और आज पत्नी को पा करके माँ बाप को छोड़ रहे हो बेटा, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरी बात सुनो, कोई साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा यही सत्कर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। बोला अच्छा बाबा। माई बाप भाई छुट्टी है हीरा जस में हारिया हो हीरा। मेरी बात सुन रहा है ना बेटा एकदम बाबा, ध्यान से सुनते हैं। हाँ तो बेटा सुन।
माई बाप भाई छुट्टी है हीरा जस में हारी आ रे हीरा जस में हारी आ हो हरी है अमराज जब परानन हो राम बेटा जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी अच्छा बाबा उस दिन कोई नहीं साथ जाएगा और ये जिनको कह रहा है ये भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे आज जिनका जो भी बनाया है गाड़ी घोड़ा बंगला जितना खून पसीना बनाकर बहा करके बनाए हैं सब तुम्हारे लिए है बेटा इसलिए बनाए हैं कि मेरा बेटा सुख से रह सके मेरे बच्चे को धूप ना लगे मेरे बच्चे को बारिश में भीग ना पड़े कम से कम चैन की नींद सो सके इसलिए ये बंगला बनाए हैं बेटा और आज तुम इनको ही नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात सुनो खाली हाथ छोड़ी के उड़ी है जाही या सुगाना हो जाही बेटा ये तो समझ रहा है ना कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा बेटा इस चीज को मान ले इन्होंने पूरा अपना उम्र खत्म कर दिया केवल बच्चे को बनाने के लिए बच्चों के सुख चैन के लिए अभी तू इतना करेगा ना तुम्हारा भी बुढ़ापा आ जाएगा बनाएगा तो लेकिन सुख नहीं भोग पाएगा बेटा आज इनका कर्म ही है जो आज तुम और तुम्हारी पत्नी इतने चैन से इस बंगले में रह रहे हैं बेटा मेरी बात सुन खाली हाथ छोड़ी के उड़ी है जाही या सुगाना वा रे जाही या सुगाना वा हो साथ जाई कौनो ना समान न हो रहा समझ रहा है ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ और मेरी बात सुन मालूम है सच्चा सुख क्या है वो माँ बाप का सुख क्या जाने जिनके पास माँ बाप है आज तुम्हें ये बहुत बुरे लग रहे हैं ना तू बराबर इनको डांट रहा है फटकार रहा है उस दिन को याद कर जिस दिन ये नहीं होंगे बुजुर्ग घर पे एक पहरेदार की तरह एक टाइम का केवल रोटी खा करके पड़े रहते हैं जिस दिन ये नहीं होंगे और तुम रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली बॉम्बे परदेश करोगे उस समय अगर ऊपर वाला ना करे तुम्हारे बच्चों का या तुम्हारी पत्नी का तबीयत खराब हो उस समय यही बुजुर्ग सबसे पहले आगे बढ़कर हाथ बढ़ा करके तुम्हारे बच्चों का इलाज करवाएंगे उस दिन को याद कर बेटा कैसे और सच्चा सुख यही है कि जीते जी इनका जितना सेवा कर पा कर ले बेटा फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा सच्चा सुख शांति किस सच्चा सुख शांति सेवा कोइल सेवादारी हो बेटा यही सच्चा सुख है और यही परमात्मा है यही तुम्हारी दुनिया है बेटा अपनी दुनिया को अपने से बर्बाद मत कर बेटा सच्चा सुख संत सेवा कैला सेवादारी अरे कैला सेवादारी हो प्रेमी कवि दशरथ के विधान न हो राम
समझ गया बेटा? हाँ बाबा। तो बेटा आज के बाद से कभी बुजुर्गों को कुछ मत कहना बेटा। ठीक है बाबा, ठीक है। गुरु गोरखनाथ कल्याण करें।